पर एक बैठक हुई। बैठक में फैसला निकल कर आया। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और दूसरे तमाम नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पार्टी ने यह तय कर दिया है कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड, एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। एज ही सेड ही विल कम मेनी टाइम्स विद मी, बट आई विल वर्क एज हार्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी एंड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। और रायबरेली के साथ तो मैं, मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी।